जो कहीं भी अपॉर्चुनिटी देख लेता है, अवसर देख लेता है, यानी अगर यहाँ पे कचरा गिरा है या कुछ प्लास्टिक का बैग गिरा हुआ है तो उद्यमी सोचेगा कि इसको मैं रिसाइकिल करके पैसा कैसे कमा लूं। सीइंग अपॉर्चुनिटी, कहीं भी अपॉर्चुनिटी देख लेना, अवसर देख लेना, इस अवसर से हम पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार को, अपने देश को सुदृढ़ कर सकते हैं। भारत जो है वो युवाओं का देश है और आज को स्टार्टअप का जमाना चला है, आपने सुना होगा। कई सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो स्टार्टअप को प्रमोट करती हैं। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, आपने नाम सुना होगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, ये सब स्टार्टअप्स के ही नाम है जो आगे चल के कम से कम रिसोर्सेज में बहुत अधिक व्यवसाय करके अपने अपने इकोनॉमी को, अपने अपने कंट्रीज के इकोनॉमी को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए स्टार्टअप इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। और स्टार्टअप करने की कोई एज नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, स्कूल में आप स्टार्टअप कर सकते हैं। मुझे याद है मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको लगा कि कपड़ा धुलना बड़ा बहुत बड़ी समस्या है, हम कैसे अपने कपड़े को धुले, हम तो समस्या है और हम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टूडेंट ने वॉशिंग कार्ड के नाम से एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। उसने अपने फ्लैट में ही 2-3 वॉशिंग मशीनें खरीदवा के रखवा ली और उसके हॉस्टल के जितने स्टूडेंट थे या उसके जितने मित्र थे जो फ्लैट में यहाँ वहाँ रहते थे, उनसे उसने बोला कि मैं तो वॉशिंग का काम शुरू कर दिया है, वॉशिंग और प्रेस करना का काम शुरू करा दिया है, तो आप लोग भी अपने कपड़े यहाँ पे दे सकते हैं। और इस तरीके से काम शुरू हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ चुका है, वो खाली टाइम में वो काम करता है और बाकी लोगों को सुविधा मिल गई कि कपड़े प्रेस धुले हुए मिल रहे हैं, साफ सुथरे मिल रहे हैं और इनको व्यवसाय मिल गया। ऐसे ही ट्रैफिक की समस्या देखते हुए कुछ स्टूडेंट ने प्लान किया कि क्यों नहीं जो पार्किंग, जो मोस्ट ट्रैफिक एरियाज है वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए, और जो पीक टाइम होता है शाम को जैसे लोग मॉल्स में जाते हैं वहां समस्या रहती है, कई बार रोड पे समस्या रहती है। इन्होंने क्या किया कि ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करेंगे, इसमें कुछ शुल्क भी रख दिया, 4-5 रुपए, ठीक है, किसी को समस्या भी नहीं कि गाड़ी सुरक्षित पार्क हो रही है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, छोटे से छोटा काम किया जा सकता है और बाकी आप आगे पीछे बढ़ सकते हैं। मुझे याद है मेरी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद में हुई है, आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना हो चुका है, भाग्य नगर में। जब मैं बीकॉम में पढ़ता था, हमारे भी एक शिक्षक हुआ करते थे, आदरणीय श्री श्याम सुंदर मुंडा जी, वो कहते थे कि हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है और आप लोग बोलते हो कि टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, टाइम सबके पास है। उन्होंने कहा कैसे टाइम निकाले बताइए। उन्होंने कहा सुबह 3 बजे उठ पाओगे, उठ जाएंगे, प्रयास करेंगे, कैसे होता है। उन्होंने कहा कि सुबह उठ जाओ, एक गाड़ी कहीं से इंतजाम करो, छोटा सा कैंटर या छोटी सी लॉरी या जो भी टाटा मैजिक, शहर से दूर जो गांव का एरिया है जहां पे किसान अपना उत्पाद, अपना प्रोडक्ट, जो भी खेती का आलू हुआ, प्याज हुआ, टमाटर हुआ, फ्रूट हुए, जो लेके शहर की मंडी में भेजना चाहता है, आप उनसे कलेक्ट करिए और लाके मंडी में बेचिए, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, गाड़ी नहीं कि वो यहां पे छोड़ पाए। तो हम लोगों ने 3-4 लोगों ने एक टीम बनाई और 3:30 बजे सिकंदराबाद से आगे निकल गए और जो आसपास के गांव थे वहां घूमना शुरू किया। और वास्तव में लोग अपने घर, गांव के बाहर सड़कों पे जो हाईवे है वहां पे थैलों में सब्जियां भर भर के, फ्रूट भर भर के, फूल फ्लावर्स भर भर के खड़े थे और कौड़ियों के धाम पे लोग खरीद रहे थे। उनका साहब एक बोरा लेके जाइए, थैला भर के ले जाइए, 100 रुपए दे दीजिए, कोई टोल नहीं है, बट उन्हें क्या करना, बहुत सारा जल्दी उसको हटाना है तो खराब भी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने उनसे खरीदना शुरू किया और लाके शहर में मंडी में, मंडी में तो तौल के बेचना है ना, वहां तो तौल कांटा लगा हुआ है, आपको उसको तौल के बेचना है तो जो मंडी का भाव है आपको मिलेगा। 100 रुपए में खरीदी हुई चीज क्या कमा रहे हो, 600-600 रुपए में, 500-500 रुपए में बेचने का मौका मिला और कमा भी लिया। यानी सुबह 3:30 या 4 बजे से लेके 8 बजे के पहले पूरा काम खत्म हो गया
10 बजे से कॉलेज था, कॉलेज भी चले गए, तीन बजे फ्री हुए आके तीन चार घंटे सो लिए, यानी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी। मेरे स्टूडेंट ने मुझे याद है देविशा कल के स्टूडेंट ने व्यवसाय शुरू किया, 50 रुपीज एक्टिविटी एक काम होता है, 50 रुपए से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, आपने सोचा कि मैं न्यूज़पेपर से पेपर बैग बनाऊंगा, पेपर बैग बनाऊंगी, एनवलप बनाऊंगी, मसाले के पैकेट बनाऊंगी, क्योंकि वो पेपर तो फेंकना ही होता है, बाद में पढ़ने के बाद उसका कोई अस्तित्व होता नहीं है। न्यूज़पेपर का की लाइफ 2 घंटे होती है बस, उसके बाद फिर उसमें कुछ गम, कुछ ग्लू, कुछ चमकी, अगर आपको पर्स बनाना है, एक प्यारा सा लेडीज पर्स आपको बनाना है, आपने सोचा कि चलिए हैंडमेड लेडीज पर्स बनाते हैं, आपको क्रिएटिव चीज करने का मन कर रहा है, क्रिएटिव काम करने का मन कर रहा है, तो आपने रिसोर्सेज सोचे क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे। तो पहले ओरिएंटेशन ये आना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, तो आपको मन में आए रिसोर्स में क्या लगने वाला है, पहले तो पेपर चाहिए, पेपर को एक शेप देने के लिए कैंची चाहिए, उसको सजाने के लिए या उसको पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए, गोंद या गम कहते हैं उसको, थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए कुछ चमकी ग्लिटर्स चाहिए ताकि सुंदर सा लेडीज पर्स बन जाए। और आपने पहली बार एक लेडीज पर्स बनाया, उसे धूप में सुखाया, पहली बार में आपका अनुभव बड़ा अच्छा नहीं रहा, शेप बहुत अच्छा नहीं आया, क्योंकि पहली बार आपने व्यवसाय किया। जब आप दूसरी बार उसको बनाएंगे, दूसरा बैग बनाएंगे, तो वो शेप अच्छा कटेगा, कम ग्लू में अच्छा चिपकेगा, चमकी या ग्लिटर आप ठीक से लगाएंगे, सुंदर लगाएंगे, कम खर्चा होगा और परफेक्शन अच्छा होगा, क्योंकि हमारा तजुर्बा बढ़ गया है। पहली बार से दूसरी बार, हम तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे हम परफेक्ट होते जाएंगे, कम चीजों में, कम कॉस्ट में अच्छा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, जिसका मार्केट में अच्छा दाम भी मिलेगा, जो आप 100 रुपए में बेचते थे उसको 200 में ही बेच सकते हैं। तो इस तरीके से हमको अपॉर्चुनिटी सर्च करना है। और आप आज से अपने आसपास युवा दिवस के इस अवसर पे आप संकल्प लें कि हमारे आसपास जो चीज चल रही है उसमें व्यवसाय ढूंढें, और हमसे जितना बन पा रहे उतना हम करें, और अपने अंदर स्किल, अपने अंदर उद्यमिता का भाव जगाएं, और अपनी परिवार के और अपने देश की जो जीडीपी है उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।